मेरे को सेशंस में ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो हाथ उठा के बोलते हैं कि सर मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता, आज मैं ये कर ही नहीं पाता अगर कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी माँ मुझसे नहीं बोलती कि अलग कोई बात नहीं तुम जो करोगे उसमें मैं सपोर्ट करूंगी। और जब माँ बाप भरोसा दिखाते हैं ना तब बच्चा और मोटिवेट हो जाता है कि हाँ यार पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते, मम्मी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती, मैं करूँगा। अच्छा, तो मैं छोटा था सर, मैं बहुत छोटा बच्चा था 3 साल का, और गया था स्कूल में एडमिशन लेने, और हर बाप की तरह मेरे बाप को मेरे ऊपर बहुत गर्व है, अरे मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, अरे मैम वो पापा लोग होते हैं ना मैडमों के सामने जाके पूरी डींगे हाँकते हैं, अरे कुछ भी पूछ लीजिए इससे सब बता देगा। मम्मी थोड़ी सी इनसिक्योर हो रही थी, मम्मी को डर लग रहा था पता नहीं क्या पूछ लेंगे, वो नर्सरी के लिए इंटरव्यू होता है ना स्कूल में ज्वाइन करते वक्त, हमारे टाइम भी होता था। तो गए तो जो टीचर थी उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा, अलग पैरट किस कलर का होता है? 3 साल का अलग पांडे ऑरेंज कलर का, ऑरेंज होता है ऑरेंज। मम्मी एकदम डर गई, अलग क्या बोल रहे, अलग क्या बोल रहे। पिताजी सामने आए बोले जंगल में कहीं एक ऑरेंज पैरट तो होता होगा। इस लेवल का सपोर्ट अगर आप बच्चे को देते हो तो क्या कॉन्फिडेंस आता है उसको, और वाकई होगा जंगल में मुझे भी अब लगता है। जब मैं कॉलेज छोड़ दिया और मेरे ऊपर कॉलेज का लोन है 1.5 लाख रुपए का, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कोई बात नहीं अलग तुम जो करोगे तुम बहुत अच्छा करोगे, उन्होंने मुझे वो भरोसा दिखाया। और जब माँ बाप भरोसा दिखाते हैं ना तब बच्चा और मोटिवेट हो जाता है कि हाँ यार पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते, मम्मी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती, मैं करूँगा। अच्छा, एक तो दुनिया से वो ताने सुनी रहा है बच्चा, एक आखिरी उम्मीद आप लोगों माँ बाप, जब वहाँ से ताना आना शुरू होता है ना तो बच्चा टूट जाता है। मेरे को सेशंस में ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो हाथ उठा के बोलते हैं कि सर मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो चुका है। उसकी आखिरी उम्मीद ही माँ बाप, वहीं से वो सपोर्ट डिजर्व करता है। आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता, आज मैं ये कर ही नहीं पाता अगर कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी माँ मुझसे नहीं बोलती कि अलग कोई बात नहीं तुम जो करोगे उसमें मैं सपोर्ट करूंगी। अच्छा, तुमको कोचिंग के लिए जब बच्चे कोचिंग में अच्छे नंबर लाते थे तो उनके लिए मैं सर्टिफिकेट तैयार करता था, लोकल से सर्टिफिकेट छाप के। मेरी मम्मी उस सर्टिफिकेट को फ्रेम में लगाती थी मेरे साथ रात में बैठ के कि हाँ अलग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना है। मैं जब कमरे में लेक्चर शूट करता था मेरी मम्मी बगल वाले कमरे में सोफे में जाके लेट जाती थी कि हाँ इस कमरे में जगह छोड़ देते कि अलग वहाँ पे लेक्चर शूट कर रहा है। अगर उस टाइम पे वो इतने अनकन्वेंशनल पाथ पे मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज ये चीज़ नहीं होती है।